वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इकबाल सिंह, साइंस मास्टर सरकारी मिडिल स्कूल माजरी, जिला लुधियाना। अज आप नौवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन अते उन्हां दी बाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज है ते आधारित उन्हां दीआं संख्यावां बारे विचार करांगे। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी 15 रागां दे विच 59 शब्द अते 57 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज ने। गुरु साहब ने सानू सिक्ख्यावां दित्तियां। गुरु साहबां दा फरमान है कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकार थकीन, कहो नानक हर भजमना, जह बद जल को मीन। गुरु साहब ने दसिया कि जिहड़ा साडा शरीर है ये जीवन मालक ने बख्शिश किया है, जे असी परमात्मा का सिमरन नहीं करते, बंदगी नहीं करते, नाम नहीं जपते, रूहानियत के रास्ते ते नहीं चलते तो साडा जीवन व्यर्था चले जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब ने सानू सोझी दिती कि असी ना किसी का जुल्म सहना है, ना किसी ते जुल्म करना है। महाराज का वचन है, भय काहू को देत नहें, नह पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे वखान। गुरु साहब ने दसिया कि असी उस परमात्मा के भाणे विच रह के, मालक के हुक्म के विच रह के विचरना है, किसी का भय नहीं मनना, ना ही किसी ते भय करना है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने सानू दसिया कि होमे हंकार की पाल आ जिहड़ी, ये सानू परमात्मा तो विछोड़ती है, साडे समाजिक जीवन दे विच भी, रिश्तियां दे विच भी दराड़ आउंदी है। गुरु साहबां दा वचन है कि जह प्राणी होमे तजी, करता राम पछाण, कहो नानक बहु मुक्त नर, यह मन साची मान। कहिंदे ये गल सच्ची है कि होमे और हंकार तो असी दूर हटना है। गुरु साहबां दा वचन है कि जिहड़ी साडी जीवा है इसने परमात्मा का सिमरन करना है, तो कन्नां नाल मालक की बाणी नूं सुनना है, मालक की बाणी नूं सुन के हिरदे ते बसाउणा है, उस दे अनुसार जीवन बतीत करना है, तो साडा लोक परलोक सुखी हो जाएगा। जिहवा गुण गोबिंद भजो, करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, परे ना जम के धाम। गुरु साहब ने यह भी बख्शिश कर दिती कि जे साडे हिरदे विच परमात्मा का प्यार नहीं है, मालक की बंदगी नहीं है, असी सिमरन नहीं करते, नाम ते नहीं चलते, मालक की बाणी नूं नहीं सुनते। गुरु साहबां ने कहा यह जिहड़ा साडा शरीर है यह कुत्तियां दे बराबर है, यह साडा शरीर सूरां दे बराबर है। एक भगत भगवान जह प्राणी के नाहे मन, जैसे सूकर सुआन, नानक मानो ताहे तन। गुरु साहब ने सानू बख्शिश कर दिता कि जिहड़ा साडा शरीर है यह नाशवान है, जो भी असी दृष्टमान देखते हैं यह नाशवान है, सारिया ने एक ना एक दिन फना हो जाना है। थिर वो परमात्मा है, वो नाम है, बंदगी है, जिसने सदा थिर रहना है, उहदा कदे विनाश नहीं हुंदा। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। सो सानू उस परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, बंदगी करनी चाहिए है, क्योंकि जिन्हें भी साडे रिश्ते ने इस संसार के अंदर, महाराज कहिंदे ये झूठे रिश्ते ने, जगत मैं झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सबो कहत हैं, हित स्यो वांध्यो जीत, अंतकाल संगी ने को यह अचरज है रीत। महाराज कहिंदे दारा मीत सूत संबंधी, सगरे धन स्यों लागे, जब ही निर्धन देखियो नरको, संग छाड़ सब भागे। जे असी गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन देखिए, गुरु तेग बहादुर साहब ने जदों मुगल बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, कश्मीरी पंडितों की फरियाद से गुरु साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के खातर चांदनी चौक दिल्ली में बलिदान दिता। उस जीवन तो सानू सोझी मिलती है कि मजलूमों की, गरीबों की हमेशा उन्हां दे नाल असी खड़ना है। तो गुरु साहब ने सानू दसिया कि यह जिहड़ा साडा मन है ये कुत्ते की पूछ की न्याई है, इस बाणी सुनता है पर इस ते असर नहीं हुंदा। महाराज कहिंदे बाणी दा पल्ला ना छड्यो, वार वार नाम जपदे रहो, ये मन सीधा हो जाएगा। महाराज स्वान पूछ जो होए ना सुधो, कहो ना कान तरे, कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरे। सो गुरु साहब जी दीआं जिहड़ीआं मेन संख्यावां ने, उस परमात्मा नूं जपना है, किसे नाल भय नहीं करना, किसे दा भय नहीं सहना, कोई जुल्म नहीं करना, होमे हंकार तो उपर उठना है। ये जिहड़ा साडा संसार है, ये जो भी असी दृष्टमान वेखदे हां, इहदे विच अज तक कोई भी नहीं रहा। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर किछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। ये संसार एक सुपने की न्याई है, असी इस तो उपर उठना है। होईयां बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां लई खिमा करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।